सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी यूट्यूब चैनल द थिंकर थिंक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से रेलवे के 10 ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए रेलवे की इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, टी आर होम्स, आर सी मजुमदार, वी डी सावरकर या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, किसने कहा था, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? वी डी सावरकर ने कहा था 1857 को भारतीय स्वतंत्रता का पहला विद्रोह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, यही है दोस्तों, वी डी सावरकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कारण है कि पानी की बूंद गोल होती है? तो किस कारण पानी की बूंद गोल होती है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है ध्रुवण, संघनता, श्यानता या प्रस्तनाव। तो दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए पानी की बूंद प्रस्तनाव के वजह से गोल होती है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप, पानी की बूंद जो होती है वो सरफेस टेंशन यानी प्रस्तनाव की वजह से गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है बॉक्साइट, सिडेराइट, एल्यूमिनेट्स या सिरिमेट्स। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? ए, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। ठीक है दोस्तों, यही है बॉक्साइट। और दोस्तों, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, कौन सा व्यक्ति था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, कॉपरनिक्स या न्यूटन। तो दोस्तों, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? सी, कॉपरनिक्स था जिसने बताया था पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके सापेक्षता सिद्धांत के लिए, गैलीलियो आपके दूरबीन वगैरह के लिए थे, न्यूटन आपके गति के नियम जिन्होंने ग्रेविटी खोज की थी, गुरुत्वीय त्वरण बताया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से उन्होंने दिया था अपना सोलर मॉडल कॉपरनिक्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? तो दोस्तों, किसने बनाया? आपके ऑप्शन है चोल सम्राट, पल्लव सम्राट, चेरा सम्राट या चालुक सम्राट। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? पल्लव सम्राट ने बनाया है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ठीक है दोस्तों, यही है दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देश में किसका लिखित संविधान नहीं है? तो किसका लिखित संविधान नहीं है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? ए, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, बाकी तीनों देशों का लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, ये रहा उसका स्ट्रक्चर यूनाइटेड किंगडम के संविधान का, लेकिन उनका लिखित संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, किसने किया था? आपके ऑप्शन है हक्सले, डार्विन, लैमार्क या ह्यूगो डी ब्रिज। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, यही है ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं, ये आपके लिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रेलवे के 10 ऐसे क्वेश्चन की पार्ट की ये सीरीज चल रही है, वो बिल्कुल कई बार जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों, सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा दर्पण लगा रहता है? ए, उत्तल दर्पण लगा रहता है कारों और ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्राव शरीर की किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों, यहाँ पर पित्त क्या बात कर रहे हैं, पित्त रस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? आपके ऑप्शन है यकृत, पैराथायराइड, ब्रक या पित्ताशय। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? ए, यकृत से स्रावित होता है पित्त यानी बाइल आपका यकृत से स्रावित होता है, देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, किस रूप से जाना जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को? आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी या सेलोलॉजी। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप से जाना जाता है? ए, साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। देख लीजिए आप लोग, इसी तरह से दिखती हैं कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट टू में आज दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग रेलवे ALP टेक्नीशियन ग्रुप 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको
चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।